हो सकता है कि आपने ना अभी अलीबाबा से कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो सकता है कि अलीबाबा में आप अलीबाबा या अली एक्सप्रेस से लैपटॉप या फोन खरीदने का या कोई और गैजेट खरीदने का प्लान कर रहे थे और आपको स्क्रॉल करते करते कोई ऐसा प्रोडक्ट दिख गया जो आप खरीदना चाहते थे, बट वो रिफर्बिश्ड है, सेकेंड हैंड है, रिफर्बिश मतलब ऑलमोस्ट नया जैसा है और वो आधे से भी कम प्राइस में मिल रहा है आपको सेम प्रोडक्ट जो आप नया खरीदना चाहते थे। और आप ये सोच रहे हैं कि यार ये इसी को क्यों ना खरीदा जाए, जब अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करना है या इतनी अच्छी डील मिल रही है तो रिफर्बिश ले लेते हैं, पर्सनल यूज़ ही तो करना है, किसी को गिफ्ट थोड़ी देना है। हो सकता है कि आपको किसी अब्रॉड में आपको कोई भाई रहता हो ऑस्ट्रेलिया में यूएसए में और उसने फोन किया कि भाई तेरे भाई ने तो नया आईफोन ले लिया 12, तो आईफोन प्रो आईफोन 11 तू रख ले, मैं तेरे को भेज देता हूँ। तो और आपने सोचा होगा कि यार आईफोन सेकंड हैंड आईफोन मैं मंगवाऊंगा तो कितनी कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी, क्या वो कस्टम से निकल जाएगा, कितनी कस्टम चार्ज करेगा उसके लिए। तो आपको सेकंड हैंड गुड्स इंपोर्ट करने को लेके या बाहर से मंगवाने को लेके कोई भी कन्फ्यूजन है तो मेरे भाई ये वही वीडियो है जो आपको देखना है लास्ट तक। मैं आपको सारी की सारी कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा कि सेकंड हैंड गुड्स बाहर से इंपोर्ट होते हैं और किस तरीके से इंपोर्ट होते हैं और कौन लोग उन सेकंड हैंड गुड्स को इंपोर्ट कर सकते हैं और किस तरह के गुड्स आइटम प्रोडक्ट होते हैं जो आप बाहर से सेकंड हैंड इंपोर्ट कर सकते हैं, यूज्ड गुड्स इंपोर्ट कर सकते हैं, रिफर्बिश्ड गुड्स इंपोर्ट कर सकते हैं अपने यूज़ के लिए, किस तरीके से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, मैं आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपांकर, आप देख रहे हैं मेरे चैनल ग्लोबल व्यापार, जहाँ पर हम डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में और कस्टम क्लियरेंस के बारे में। और मैं दिल्ली में एक CHA हूँ, यानी कि कस्टम हाउस एजेंट, यानी कि जो कस्टम क्लियरेंस कराता है, यानी कि जो बाहर देश से माल मंगवा के यहाँ डिलीवरी करवाता है, सारा बाहर देश से जो भी माल आता है कंटेनर के रूप में चाहे एयरपोर्ट के रूप में छोटे छोटे बॉक्स बन के। तो मैं ही वो बंदा हूँ जो आपको आपका ये कन्फ्यूजन दूर कर सकता हूँ कि आप किस तरीके से सेकंड हैंड गुड्स बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं या कर सकते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं और कौन से प्रोडक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सेकंड हैंड गुड्स क्या होता है। सेकंड हैंड गुड्स देखिए कस्टम की लैंग्वेज में वो होता है जो कि ऑलरेडी यूज हो चुका है, उससे कोई ना कोई आउटपुट निकाला जा चुका है, उसको सेकेंड हैंड गुड्स कहा जाता है। जो गुड्स न्यू नहीं है, जो कुछ यूज हो चुका है, जो गुड्स से यूज़ करके कोई ना कोई आउटपुट लिया जा चुका है, उसको सेकेंड हैंड गुड्स कहा जाता है। अब सीधा मुद्दे पे आते हैं, मैं बताता हूँ कि सेकेंड हैंड गुड्स कौन से गुड्स इंपोर्ट होते हैं। देखिए कैपिटल गुड्स जो होते हैं, मशीनरी, कैपिटल गुड्स यानी मशीनरी जो होता है उसको आप इंपोर्ट कर सकते हैं, मशीनरी ऑलरेडी इंपोर्ट होता है सेकेंड हैंड गुड्स। कैपिटल गुड्स वो होता है जो आप फैक्ट्री में सेटअप करते हैं और उससे कोई फर्दर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मैन्युफैक्चर करते हैं किसी प्रोडक्ट को, उसे कैपिटल गुड्स कहा जाता है। उसको इंपोर्ट करने के लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, CE सर्टिफिकेट के द्वारा उसकी वैल्यूएशन क्रिएट की जाती है, उस पर ड्यूटी चार्ज की जाती है, वो एक डिफरेंट पार्ट है। उससे ना आपको कुछ लेना देना है, ना आप इतनी बड़ी मशीनरी इंपोर्ट करने वाले हैं अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि मैं इसका। तो अब बात करते हैं लैपटॉप की, मोबाइल फ़ोन्स की या किसी और गैजेट की जो आप सेकंड हैंड लेना चाहते हैं बाहर से, चाहे वो आपका रिलेटिव हो, चाहे अलीबाबा हो, चाहे अली एक्सप्रेस हो या किसी और वेबसाइट से, आप किसी तरह का कोई भी सेकेंड हैंड गुड्स इंपोर्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप देख रहे हैं कि बहुत सस्ता पड़ रहा है मेरे को और आपके मन में कन्फ्यूजन है कि क्या ये कस्टम्स में फंस तो नहीं जाएगा, और नहीं फंसेगा तो कस्टम्स में कितना चार्ज लगेगा, तो मेरे भाई आपको मैं एकदम सीधे लैंग्वेज में बता देता हूँ। इंडियन कस्टम्स एक्ट 1962 के हिसाब से आप किसी भी तरह का कोई भी सेकेंड हैंड रिफर्बिश्ड यूज्ड गुड इंपोर्ट नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, मैंने एकदम साफ साफ लैंग्वेज में आपको बता दिया कि आप किसी भी तरह का कोई भी सेकेंड हैंड गुड्स, यूज्ड गुड्स, रिफर्बिश्ड गुड्स, चाहे वो बिल्कुल नया जैसा ही क्यों ना हो, उसको इंपोर्ट नहीं कर सकते, उसको वो टोटली रिस्ट्रिक्टेड है, आप उसको किसी भी तरह से इंपोर्ट नहीं कर सकते, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, चाहे वो कोई और गैजेट हो। तो आप किसी भी तरह का कोई भी गैजेट बाहर से सेकेंड हैंड यूज्ड या रिफर्बिश्ड के रूप में इंपोर्ट नहीं कर सकते, वो कस्टम्स में फंस जाएगा। हाँ मैंने अब भाई आप ये कहोगे कि यार हमने तो देखा है कि और दूसरे यूट्यूबर्स मंगवाते हैं, मैंने उनके वीडियोज़ देखे हैं कि उन्होंने अपने छोटे भाई के लिए, अपने रिलेटिव के लिए भाई से बाहर से आईफोन भेजे। तो देखिए इंपोर्ट करने के इंडिया में बहुत सारे तरीके होते हैं और बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट होती हैं, किस तरीके से होती है वो मैं ना जानता हूँ ना मैं जानना चाहता हूँ, तो आप उन यूट्यूबर्स को देख सकते हैं। बट आपको क्लियर लैंग्वेज में बताऊँ तो आप किसी भी तरह का कोई भी सेकेंड हैंड गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स इंडिया में इंपोर्ट नहीं कर सकते, वो रिस्ट्रिक्टेड है। वो अगर कस्टम्स वालों की नज़र में आ जाता है, कस्टम इंस्पेक्टर की नज़र में आ जाता है, तो वो बिल्कुल फंस जाएगा, उसको या तो डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा या तो डिटेन कर दिया जाएगा। और अगर आप फिर भी उसको मंगवाते हैं तो हो सकता है, और अगर आप उसको पर्सनल यूज़ की जगह कमर्शियल रूप में भी मंगवा, अगर कमर्शियल वे में मंगवा लेते हैं तो हो सकता है कि आप में कमर्शियल वो होता है कि ज़्यादा क्वांटिटी में मंगवा लिया, तो हो सकता है कि आप पे फाइन पेनल्टी भी लग जाए। तो किसी भी तरह का द मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप बाहर देश से कोई भी सेकेंड हैंड गुड्स, कोई भी सेकेंड हैंड गैजेट, आईफोन, मोबाइल, लैपटॉप या कोई भी दूसरा गैजेट इंपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सेकेंड हैंड गुड्स इंडिया में इंपोर्ट करना रिस्ट्रिक्टेड है। अब मैं बता देता हूँ एक छोटा सा आपकी नॉलेज के लिए कि सेकेंड हैंड गैजेट इंपोर्ट क्यों नहीं करते। देखिए सेकेंड हैंड गैजेट इसलिए इंपोर्ट नहीं करते क्योंकि सेकेंड हैंड गैजेट की जो लाइफ होती है वो कहीं ना कहीं कम होती है नए गैजेट से, और
वर्ल्ड वाइड पूरे दुनिया में ई वेस्ट जो है वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और इंडिया को भी पता है कि हमारा जो ई वेस्ट है वो बहुत मेजर है, और हम उसको टैकल करने में यूएस और अदर डेवलप्ड कंट्रीज जैसे सक्षम भी नहीं है। तो ईपीआर होता है, आप अगर कोई भी नया गैजेट इम्पोर्ट करते हैं ना, लैपटॉप मोबाइल फ़ोन, तो उस पर एक ईपीआर देना पड़ता है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके तहत जो भी मैन्युफैक्चर है उसको इम्पोर्ट कर रहा है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि इम्पोर्ट करने के बाद कंजम्पशन के बाद उसका वापस रिवर्स लॉजिस्टिक्स किया जाए और उसको प्रॉपर रूप में डिस्पोज ऑफ किया जाए उस गैजेट को। और आपने रिसेंटली देखा ही होगा कि आईफोन 12 में एप्पल ने भी अपना चार्जर हटा दिया है, तो वो भी ई वेस्ट को मैनेज करने के लिए ही उनका एक स्टेप है टुवर्ड्स अ ग्रीनर अर्थ, टुवर्ड्स अ ई वेस्ट फ्री अर्थ। तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को आपका जो भी कन्फ्यूजन था रिगार्डिंग इम्पोर्ट ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, लैपटॉप मोबाइल फ़ोन एक्सेट्रा, जो भी है आप इम्पोर्ट करना चाह रहे थे, वो क्लियर हो गया होगा। और मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर आप लोगों को दुख लगा होगा कि आप किसी भी तरह का कोई भी सेकेंड हैंड गुड्स इम्पोर्ट नहीं कर सकते अदर देन मशीनरी कैपिटल गुड्स। सो और अगर वीडियो से आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं, और अपने दूसरे जो भी गैजेट फ्रेंड्स हैं या कोई भी दूसरा यूट्यूबर है जो गैजेट्स वगैरह इंपोर्ट करता रहता है या रिव्यूज़ करता रहता है, तो उसके साथ शेयर भी कर सकते हैं, और कमेंट करके मेरे से कोई भी कन्फ्यूजन होती है, कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिगार्डिंग कुछ भी होता है। मैं दिल्ली में कस्टम क्लियरेंस कराता हूँ एयरपोर्ट में और टिकट डिपोर्ट में, तो कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे को कॉल कर लेना, मेरे इंस्टाग्राम पेज पर जाके, मेरे फेसबुक पेज पर जाके मेरे को डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो, मैं वहाँ पर भी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, और अगर चाहे तो मेल भी कर सकते हो, मेरे सारे के सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए होंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मेरा नाम है दीपांकर, थैंक यू साइनिंग ऑफ फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं इसी तरह के किसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन के साथ, थैंक यू।